कि पिछले 15 से 20 वर्षों से लगभग 35 ठेका मजदूर जो है एजी ऑफिस के अंदर कार्यरत थे। ये वो मजदूर थे जिन्होंने सबसे बुरे वक्त में भी एजी ऑफिस में काम किया, जिस वक्त जो आज से ठीक 4 साल पहले एजी ऑफिस में आग लगी थी, दुर्घटना हुई थी, सबसे ज्यादा काम इन मजदूरों ने किया। लेकिन जो आजकल यहाँ पर जो प्रिंसिपल एडवोकेट प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल हैं, उन्होंने जो है ठेकेदार के साथ मिली भगत करते हुए उन तमाम मजदूरों को एकदम से नौकरी से निकाल दिया। 35 के 35 मजदूरों को बाहर कर दिया गया, उनकी छटनी कर दी गई। उसके खिलाफ जो है ये घेराबंदी हमने एजी ऑफिस के बाहर की है। ये छटनी गैर कानूनी है। ये मजदूर 15 से 20 सालों से काम कर रहे हैं। नए ठेकेदार लाने की आड़ में जिस तरीके से पुराने मजदूरों को निकालने की साजिश रची जा रही है, ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। और इसलिए आज ये जो एक बड़ा प्रदर्शन हुआ है, और सुबह 7 बजे से ये प्रदर्शन चल रहा है और 11:30 बजे तक ये प्रदर्शन चला है। उसके बाद 11:30 बजे जो है बातचीत हुई है डिप्टी अकाउंटेंट जनरल से, और वहां पर जो एक सहमति बनी कि अब इन मजदूरों को नहीं निकाला जाएगा और दोबारा काम पर दिया जाएगा। आज से पिछले 2-3 महीने पहले भी लगभग 9 मजदूरों को बिना कारण से नौकरी से निकाल दिया गया था। तो हमारी मांग अब ये भी है कि बेशक आज 35 मजदूर काम पर लौटेंगे, लेकिन 9 मजदूरों का मसला अभी भी लंबित है। उसको हम श्रम विभाग के अंदर भी उसको लड़ेंगे, और निश्चित तौर से एक मांग पत्र देकर जो है हम एजी ऑफिस के जो अधिकारी है उनके समक्ष भी इस विषय को उठाएंगे, और तब तक इस लड़ाई को रखेंगे जब तक जो है इन 9 मजदूरों को भी काम पर वापस नहीं लिया जाता। श्रम कानूनों की भी बड़े रूप में अवहेलना जो है एजी ऑफिस के अंदर हो रही है, और लगातार जो है मजदूरों को कम वेतन देना ठेकेदारों के द्वारा, पीएफ का सवाल, मेडिकल सुविधा लागू नहीं हो रही है, बहुत सारे एक्स्ट्रा काम करवाए जाते हैं उसका वेतन नहीं दिया जाता है, छुट्टियां उस तरीके से नहीं मिलती है, ओवरटाइम का पैसा नहीं दिया जाता है। तो बहुत सारे सवाल है जिन मसलों को लेकर जो है आने वाले समय में निश्चित तौर से जो एजी ऑफिस कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन है जो सीटों से संबंधित है उसके माध्यम से इस लड़ाई को आगे हम ले जाएंगे।